अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नईम नारायण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन पब्लिक स्कूल फुल। एंड टुडे द लेसन हाउ टू प्रिंट द पेज। तो चलते हैं बिना किसी ताखिर के अपने लेसन की तरफ। ये मैंने पेज ओपन कर लिया है जहां पर मैंने पहले ही कुछ डेटा एंटर की हुई है ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में कोई ताखिर या देर न हो। तो चलते हैं लेसन के ऑप्शन की तरफ। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस कीजिए। जैसे ही आपने कंट्रोल पी प्रेस किया आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू यहां पर, जहां मेरा कर्सर एरो पॉइंट वर्क कर रहा है, शो हो रहा होगा प्रिंट प्रीव्यू। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपीज, यानी आपको प्रिंट की कितनी कॉपीज चाहिए, यहां से आप बढ़ा भी सकते हैं और यहां से घटा भी सकते हैं। और अगर आप यहां पर प्रिंट क्लिक करेंगे तो जो भी सेटिंग हुई हुई है उस हिसाब से आपको प्रिंट मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है प्रिंटर, यानी आपको अपना प्रिंटर सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा एचपी लेजरजेट 1020 का है इसलिए मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। दूसरा जो मेरा है वो मैं सिलेक्ट नहीं करता, मेरे पास यहाँ 2 से 3 प्रिंटर हैं, 21 और 30 वाला भी है जो रंगीन में है, कलरफुल। उसके बाद है कस्टम प्रिंट, ये समझते जाइए। अगर आपके पास 10 पेजेस हैं, 12 पेजेस हैं या 5 पेजेस हैं, और अगर आप चाहते हैं मुझे प्रिंट सिर्फ फर्स्ट पेज की चाहिए और लास्ट आपका 5th है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉमा 5, यानी पहला पेज और आखिरी पेज चाहिए। मेरे पास 2 पेजेस हैं तो मैं क्या करूंगा, मुझे पहले की चाहिए सिर्फ, यानी ओनली 1 की चाहिए, तो मैं 1 यहां पर लिख दूंगा। और यहां से अगर आप प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी आपके पेजेस होंगे वो 1 by 1 प्रिंट होते 1 साइड से आपको मिलते चले जाएंगे। उसके बाद है प्रिंट 1 साइड, ये समझते जाइए। यहां पर है मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड, 1 साइड बोथ, इसका सारा काम जो है टोटली काम ये करेगा मैन्युअली बोथ साइड। कैसे, जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे उसके बाद प्रिंट देने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लिप द पेज एंड देन प्रेस ओके, यानी पेज को, जो पेज आपने फर्स्ट प्रिंट ली हुई है, आपकी फर्स्ट प्रिंट आ चुकी है पहले पेज की, उसके बाद आप क्या करेंगे उसी पेज को उल्टा करके प्रिंटर के अंदर रख देंगे तो उसकी दूसरी साइड प्रिंटर हो जाएगी। अगर आप दूसरी प्रिंट निकल आई फिर से आपको ये पूछेगा, अगर आपको 4th निकालनी है, 3rd निकालनी है, ये आपका ऑप्शन देता जाएगा फ्लिप द पेज एंड देन प्रेस ओके, यानी प्रिंट देने के बाद ये खुद ब खुद आपको ऑप्शन देगा कि आप पेज की दूसरी साइड आप उल्टा के और प्रिंटर पे रखिए। उसके बाद है कलेक्टेड, ये समझने की बात है, कलेक्टेड और अनकलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब होता है ये अगर आप कोई भी सेट बना रहे हैं, कोई भी नोट्स निकाल रहे हैं, तो कलेक्टेड पे आप क्लिक कर देंगे तो 1 से 10 तक, फॉर एग्जांपल आपके पास पेजेस हैं तो 1 से 10 तक फर्स्ट सेट बन के निकल जाएगा, फिर 1 से 10 तक, फिर 1 से 10 तक। और उसके बाद है अनकलेक्टेड, अनकलेक्टेड ये क्या करेगा, अगर आप यहां पर प्रेस करेंगे तो अनकलेक्टेड का मतलब होता है ये क्या कर देगा, फर्स्ट पेज है उसकी 3 कॉपीज आपको देगा, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपीज देगा, फिर 3rd पेज की 3 कॉपीज देगा, ये अनकलेक्टेड। उसके बाद है ये आप देखिए लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट आप जैसे ही करेंगे तो आपका पेज वर्टिकल हो जाएगा, यानी सीधा वर्टिकल। उसके बाद है लैंडस्केप, यहां आपको हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। ये था प्रीव्यू, जैसा भी आप रखना चाहें। उसके बाद है पेज साइज, जो भी साइज आप रखना चाहें यहां से उठा सकते हैं। लेटर डिफॉल्ट लेटर पे होती है, उसके बाद आपको जो पेज चाहिए होता है अक्सर यूजुअली हम जो यूज करते हैं वो A4 का होता है। उसके बाद है मार्जिन्स डिफॉल्ट नॉर्मल पे होता है, मगर अगर आप चाहते हैं आपकी डेटा बहुत ज्यादा है तो आप नैरो पे क्लिक कीजिए, और आपको यहां पर साइड मैंने खुद बढ़ाई हुई है ताकि
जो हमारा ये पेज है इसको पंच करने में, बाइंडिंग करने में आसानी हो। तो ये मैंने कैसे किया है आपको समझाते हैं। यहां पर कस्टम मार्जिन पे आइए, कस्टम मार्जिन पे आने के बाद यहां पर आपको प्रीव्यू दे रहा है। क्या करना होगा, जिस साइड पे आप, जिस साइड से आपको मार्जिन बढ़ानी है यानी अपने पेज को थोड़ा सा श्रिंक करना है, तो कैसे करना है, लेफ्ट पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम पंच जो पेज है लेफ्ट से करते हैं। गुटर पे आइए, यहां पे आप गुटर से जैसे ही बढ़ाएंगे तो बढ़ता चल जाएगा। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा जहां पर मेरा माउस पॉइंटर है प्रीव्यू में, तो कितनी बढ़ रही है। और अगर आप यहां, तो मैंने पहले ही बढ़ाई हुई है, मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको प्रीव्यू समझ में आ जाए। मैं यहां पर 1 रख लेता हूं या उससे भी 0 कर देता हूं, कस्टम करके बैक स्पेस और 0 लिख देता हूं। और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो आपको नजर आएगा यहां से हमारी मार्जिन खत्म हो चुकी है। यहां से हम इसको पंच नहीं कर सकते, इसका कोई भी नोट्स नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा और हमको लेटर्स नजर नहीं आएंगे। उसके बाद है पेजेस, आपने छोटी छोटी स्टोरीज देखी होगी वन पेज पर, वो यहां से प्रिंट करते हैं। अगर आप एक ही पेज पर, वन पेज पर 2 पेजेस पर शीट, यानी यहां पर जो आपके पेजेस हैं वो खुद ब खुद प्रिंट ऑटोमेटिकली लाकर एक ही पेज पर सेट करके आपको प्रिंट दे देगा। वो आपके पास जितने भी होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे या 16 होंगे, वो उसके हिसाब से जिसे आप सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। यह था आज का लेसन, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।